पा रहा हूँ, तो ये नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट देखो, मैं कर रहा था। रोलिंग भाई, थोड़ा दूर रहना। हाँ हाँ, एक्शन। Keep looking. मुझे क्यों नहीं घुमाने दे रहा है? सारे रोल, फर्स्ट पार्ट आज ऐसे चले थे उसे। पर अभी थोड़ा एक स्टेप आगे रहना, नो प्रॉब्लम। एक्शन, परंतु आगे निकलो थोड़ा और राइट में रहो। परंतु आगे जाओ। अरुण वापस से, वापस से दो चार स्टेप। अभी क्या हो, टू नहीं, क्यू से बोलेंगे। होल्ड, सबसे पहले तो सीन के बारे में बताइए। आज आउटडोर शूट है, तो सीन में ट्विस्ट क्या है? अरे सीन में ट्विस्ट मैं क्यों बताऊंगा, शो देखना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, सीन में क्या हुआ ये बता दीजिए अभी। सीन में क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं राधिया से मिलने मंदिर जाता हूँ और उसके बाद कुछ आवाज़ सुनकर मैं एक देसी दारू के अड्डे पर पहुँच जाता हूँ। कुछ काइंड ऑफ चिल्लम चाली टाइप कुछ चल रहा होता है। इतने में मेरे आबा, जो इतना बड़ा रिवेलेशन के बाद आबा से भी नज़रें मिलती है मेरी आबा के बारे में, और मेरे जो अभी मुझे पता चला कि मठाधीश जी जो है वो मेरे बाबा हैं, तो उन दोनों की बुराई की जा रही है। उनके बारे में कुछ भला बुरा कुछ बोल रहे, तो वो बातें सुनते हैं। फिर हम, मैं और आराध्या, जो जो गाँव वाले जो बोल रहे उनको रोकने के लिए या उनको बताने की कोशिश करते हैं, पर आबा बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारा जो गंदा खून है, तुम्हें मेरे लिए खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। फिर आराध्या आबा को लेकर चली जाती है और मैं मेरे जो बाबा है मठाधीश जो उनको लेकर चला जाता हूँ। तो आपको पता चलता है कि वो आपके बाबा है, तो कितना एक्साइटेड या फिर कौन सी फीलिंग आती है जब आपको पता चलता है कि वो आपके बाबा? आपको कैसी फीलिंग होती है जब कुछ सालों तक पता ही नहीं है कि आपका, मतलब आपको लगता है कोई और आपका बाबा है और कुछ 20-25 साल के बाद पता चलता है कि कोई और आपके बाबा है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। बट बहुत अच्छा लगता है आपको कि आपको पता, आपको लगता है कि जो आपके फिलहाल के बाबा है? नहीं नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जहन में एक्साइटमेंट कहाँ से आ गया इसमें? एक्साइटमेंट कहाँ से आ गया? एक्साइट मतलब एक्साइटेड क्यों फील करूँगा? गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि मैंने नई गर्लफ्रेंड पकड़ लिया और लगता है कि अरे गई तो गई पुरानी गर्लफ्रेंड, ऑब्वियसली बुरा लगता है। या मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टर्मोइल, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, तो हाँ उसी तरह की फीलिंग है वैसे। अभी देखा जा रहा है तो कुछ टोटली ट्विस्ट आगे आगे क्या आ सकते हैं? मैं कहानी नहीं जानता हूँ भाई, डेली शो पे फिल्म नहीं कर रहा हूँ मैं। जो राइटर लिख के आता देता है वो उस दिन या ज़्यादा से एक दिन पहले हमें पता होता है। अभी आगे कहानी क्या होगा देखेंगे। ये तो थी काल्पनिक दुनिया की बातें, अगर रियल बात करें, मॉनसून आ गया है, गर्मी चली गई, तो कितना एंजॉय करते हैं मॉनसून का? बॉम्बे की बारिश, स्पेशल इनिशियल बारिश, भले बारिश गई
मतलब धूप का मौसम जो है वो तो गई, पर बारिश आने के बाद भी गर्मी तो वैसी है। ठीक है, शूटिंग के बाद कई बार शूटिंग रुक जाती है, अच्छा भी लगता है, एटलीस्ट धूप का मौसम तो चला गया, बेटर कि एटलीस्ट धूप का मौसम चला गया। कोई ऐसी एक मेमोरीज आपके जहन में अभी तलक है जो बचपन से आज तलक बारिश के दौरान आपने एंजॉय किया, फिर से करना चाहते हैं? मैं इतना एडवेंचरस इंसान हूँ नहीं, बारिश को मैं एंजॉय इतना नहीं करता हूँ, ऐसे देखकर घर के खिड़की से अच्छा लगता है मुझे, पर बारिश में भीगने का बिल्कुल शौक नहीं मुझे। बचपन में जो किया किया, पानी में भीगने का तो मज़ा आता ही है, भले होली के टाइम पे हो या इन जनरल बारिश में, वो बहुत टाइम पहले मैंने शायद किया, आई एम श्योर किया, पर बहुत टाइम पहले, पर ऑफ लेट ऐसा मैं कुछ इतना कुछ करता नहीं, पर हाँ बारिश होना ज़रूरी होता है, तो अच्छा लगता है जब बारिश आती है। तो फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं तो हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि शो देख रहे, सराह रहे, वो अच्छा लग रहा है उनको, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे सीक्वेंसेस, अच्छे एपिसोड्स, अच्छे सीन्स, अलग अलग इमोशंस के साथ हम आपके लिए प्रेजेंट करें, और आप लोग जो भी आधा घंटा एक घंटा हमारे शोज़ देखने के लिए आप लोग अपना टाइम देते हो, ये कभी फील ना, ये कोशिश यही होगी कि आप कभी ऐसा फील ना करें कि हमने टाइम बर्बाद किया, तो यही कोशिश हमेशा रहेगी, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा है शो। सो दैट्स ऑल यार, आई जस्ट वांट टू थैंक यू पीपल, बिकॉज आप लोग जब तक देखेंगे यू नो शो चलते रहेंगे, जैसे हमारा भी शो है, सो एंड हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हर तरह के इमोशंस वैरायटी के साथ यू नो प्रेजेंट करते रहे, और आप लोगों का आधा घंटा एक घंटा यू नो एंटरटेनिंग रखें। थैंक यू।